हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर रावत परिवार यूट्यूब चैनल में। और आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है रात में। शाम भी नहीं कह सकते इसको, रात कह सकते हैं, मतलब रात ही हो रही है, 8 बज रहे हैं। और जल्दी बोलो। और मम्मी और मैं जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। तो आज का मतलब कड़वा चौथ का ब्लॉग मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है। तो चलते हैं मेहंदी लगवाने और ये आएंगे हमें लेने के लिए बाद में, ठीक है? टाइम पे आना। और रोटी वगैरह तो हमने बना के रख दी है, बाकी बर्तन धोने की ड्यूटी इनकी है। तो देखते हैं कैसे बर्तन धोएंगे आज। चलो फिर मिलते हैं सीधा पार्लर में। सास बहु आ रहे मेहंदी लगा के। दिखाइए मेहंदी, देखिए हमारी मेहंदी। आइए बता दो बर्तन तुमने धोने। खाना भी खिलाना। अभी से बस शुरू हो गया हमारा पास। और क्या, पास स्टार्ट हो गया अभी से। पूजा और मम्मी आ चुके हैं मेहंदी लगा के, देख सकते हैं आप। अब अभी 10:30 हो चुके हैं और अभी हम मेहंदी सुखाने के लिए करेंगे ड्रायर का यूज, ताकि मेहंदी जल्दी सूखे और हम जल्दी खाना खाएं और सो जाएं। और कल है पास पूजा का और मम्मी का, हमारा नहीं। ऐसा छोड़ो, माफ किया जाओ। तो मिलते हैं सीधा आपसे कल। कल दिखाते हैं आपको करवा चौथ का ब्लॉग। चलिए सुखाते हैं मेहंदी और मिलते हैं आपसे कल। और आप सब भी जो मैरिड है सेलिब्रेट कीजिए, और जो सिंगल है वो प्रेयर नहीं कीजिए, शादी कीजिए। सुबह से बहुत बिजी चल रहे थे इसलिए सुबह से तो कुछ शूट किया नहीं। अब हो चुके हैं ऑफिस के लिए रेडी। तो आज मैं करूंगी हाफ डे और ये करेंगे फुल डे। आने को तैयारी नहीं है, कहता ऑफिस में बहुत काम है। तो मेरी मेहंदी कुछ इस तरीके से रची है, अच्छी लग रही है ना। तो अब चलते हैं ऑफिस को, मिलते हैं फिर शाम को, नहीं दिन में, मम्मी और मैं सिर्फ, ठीक है? ऑफिस से और यहाँ पे चल रही है तैयारी। दिखाते क्या क्या सामान लेके आ गए हैं। अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है, अब सारा सामान तो ऊपर लेके आ गए हैं। अब मम्मी फिर बताएंगे क्या क्या लेके आए हैं हम। अभी तैयार होते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। हो चुके हैं हम रेडी, बस दो चीज आ रही है मेरी करने, अभी करते हैं उसको। और मम्मी यहाँ पे कर रही है तैयारी, दिखाती हूँ। तो मम्मी कर रही है तैयारी, बिल्कुल पहाड़ी कर दी है। पढ़ेंगे करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र मास की चतुर्थी में लिख अब जाएंगे ऊपर सूर्य देवता को जल चढ़ाने। और साड़ी में हो रही है हालत खराब, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या गिर रहा है। चलें छत पे। ओ
हाँ ले। पूजा हो चुकी है समाप्त, अब करेंगे हम मतलब रात को मिलते हैं जब ये आएंगे भाई। चलो ठीक है फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी अभी जा रही हूँ मैं नीचे, बाय बाय। तो मैं आ चुका हूँ ऑफिस से और पूजा क्या कर रही है, अब बारी है लहंगा। भाई साहब फास्ट वाले दिन भी मतलब लहंगा पहनना, पूरे दिन भूखा प्यासा रह के शाम को लहंगा पहनना, और खासकर जिनकी फर्स्ट करवा चौथ हो वो तो स्पेशली लहंगा पहनती ही पहनती है, जैसे हमारी मैडम पहनती है। इनसे उठाया तो जा नहीं रहा लहंगा, लहंगा पहनेंगे बहुत भारी है यार। क्या चलिए चांद कब आएगा पता नहीं, 7:30 हो रहे हैं अभी, चांद का वेट सबको ही है जिन्होंने फास्ट रखा है और जो उनके साथ है। चलो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, ऊपर एक बार देख के आते हैं कि चांद निकला कि नहीं। चांद यहाँ है, ये देखिए चांद यहाँ है। और मैंने कर लिया है चेंज, ये देखिए भाई साहब सुबह से तीसरी बार ड्रेस, हाँ, तीसरी बार मैंने ड्रेस चेंज की है। पहले पहन लिया अपनी शादी का लहंगा, इसे बंद करो। ये देखिए भाई साहब शादी का लहंगा, शादी का लहंगा बड़ा ही महंगा। तुम्हें देखिए बेचारे, चलिए ऊपर देख के आते हैं चांद निकला कि नहीं निकला, देख के आओ। हम देख के आते हैं, 8 बज चुके हैं, अच्छा 8:15 तक आया था। चांद कहाँ है, कहीं है कि नहीं दिख रहा है, चांद नहीं भैया लाइट है ही, और इस साइड से आएगा अभी तो कहीं दिख नहीं रहा, दूर दूर तक वो सितारा है जो हमें बहुत प्यारा है। तो फाइनली चांद भी निकल चुका है और है उस साइड हमारे घर के उधर, आई मीन दिस साइड वो दिख रहा होगा आपको चांद देख रहा। मुझे कंफ्यूजन हो रही चांद है कि डिस्टी भी है। तो वो रहा चांद, चलते बुलाते हैं मम्मी सबको, मम्मी से और उनको मतलब। आ गया भाई चांद, देखो चांद आया, चांद नजर आया। हाँ हाँ दीदी कोई बोल दिया मैंने, इस बार तो जल्दी आ गया भैया, चलो सही है, बढ़िया है बढ़िया। चलो भैया हाँ चल रहे हैं, चलते हैं ऊपर। फाइनली चांद आ चुका है और इस बार बिल्कुल सही पहले की तरह आ गया। हाँ हाँ जी आ गए। तो अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है ऊपर सब ले जाने की, और मेरे असिस्टेंट मेरा सामान उठाते हुए। क्या क्या है, कहाँ है चंदा मामा, देख रहे हैं कहाँ है, देख रहे हैं ना, कहाँ दिख रहे हैं, हाँ कहाँ है, अरे भैया भाई चांद नहीं दिख रहा मेरी आई छोटी है।
फोटो ले लेंगे यहाँ पे आइए या नीचे ले लेंगे नीचे लेंगे। तो पूजा हो चुकी है, आई होप आप सबने भी पूजा कर ली होगी। चले चले नीचे, भूख लगी है और वो रहा चांद जिसके यहाँ नहीं आया कहाँ गया? अरे चांद कहाँ गया? अरे चांद उधर चले गया यार, चांद उधर चले गया। जिसको फास्ट खोलना है वो खोल सकता है वो रहा चांद, बाकी ब्लॉक लेट ही आएगा तब तक। तो चांद आ चुका है, पूजा हो चुकी है, हमने बता ही दिया। अब बारी है खाना खाने की। यस, तो करते हैं वीडियो एंड कर देते हैं यहाँ पे। हाँ तो ठीक है, तो करते हैं वीडियो कहीं पे एंड। और आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ के लिए सारी बधाइयां। आपके जो हम सफर हैं दोनों, उनकी लंबी आयु हो, हमारी भी, और ऐसे ही हमारे ब्लॉग आते रहें। इसके साथ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक आप हमारे पुराने ब्लॉग भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार जाइए और देखिए अपने पड़ोसियों को भी दिखाइए। प्लीज देख लीजिए। चलिए, बाय बाय बाय।